असलामुअलैकुम। आज एक डिज़ाइन वाले कुर्ते आए हैं, तो ये डिज़ाइन पहली बार आया है, इसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं इस पे वीडियो बना दिया जाए। ये देखिए, मैं ये डिज़ाइन वाला कुर्ता कैसे काटा जाता है इसके बारे में बताऊँगा। और इसका लेंथ है 40 इंच लेंथ है, 37 इंच चेस्ट है, 32 इंच बेस्ट है, 37 इंच हिप है, 16 इंच कंधी है, 23.5 इंच आस्तीन है, और क्यों नहीं 11.5 इंच है, 10 इंची मोड़ी है। हम इसको कटिंग करके दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने दो पल्ला कपड़ा ये पहले से बिछा रखा है, डबल पन्ने का कपड़ा है। सबसे पहले हम मार्क यहाँ पे लगाएंगे, एक सीधा मार्क लगाएंगे। चालीस इंची लेंथ है, तो हम इसको 40 इंच रखेंगे। 40 इंच पे मार्क लगा लिए और 7.5 इंच पे मार्क लगाएंगे, यानी 15 इंची आर्मोर रहेगी। 15 इंच पे बेस्ट का मार्क लगाएंगे, 22 इंच पे हिप का मार्क लगाएंगे, 37 इंच चेस्ट है, इसमें लूजिंग है, इसमें 5 इंची लूजिंग ले रखे हैं, तो उसका चौथा हिस्सा 9.25। 32 इंची बेस्ट है, उसका चौथा हिस्सा 8 इंच। 37 इंची का चौथा हिस्सा 16 इंची शोल्डर है, 16 इंची 2 इंच 2 पॉइंट ज़्यादा रखेंगे यहाँ पे, 2.25 इंच। इस तरह मार्क लगा लेंगे। हम यहां से क्रॉस मार्क लगाएंगे। यहां पे थोड़ा राउंड रहेगा, अब इसको हम कट इन कर लेंगे। अब यहाँ से चौथा हिस्सा लेंगे, 9.25 इंच आ रहा है, तो यहाँ से 4.5 इंच 1 पॉइंट यहाँ पे रखेंगे। अब इसको सीधा मार्क लगाएंगे, यहाँ भी उतना ही रहेगा, 4 इंच 1 पॉइंट। यहाँ से 1.5 इंच का एक मार्क लगाएंगे। यहाँ से सीधा एक मार्क लगा लेंगे ये कोना से। अब ये यहाँ से यहाँ तक एक डाउन कर लेंगे। मैंने ये बैक पहले काटा है, अब ये देख लेंगे पीछे का गला कितना है। कॉलर भी है, 15.5 इंच कॉलर है, पीछे का कितना तैयारी आ रही है, ऐसे करके नाप के देख लेंगे। 5.5 इंच तैयारी आ रही है। अब यहाँ से
मार्क लगा लेंगे, यानी टोटल 15 इंच का फिक्स मार्क लगा लेंगे, और थोड़ा सा इसको छांटना पड़ेगा क्योंकि गला कम पड़ रही है। अब ये जो पॉइंट है, अब इसको हम यहाँ से ऐसे मार्क लगाएंगे, अब ये जो पल्ला है यहाँ पे बटन रहेगी, अब हम इसका ये मार्क के हिसाब से फ्रंट कट करेंगे। अब ये पल्ला ऐसे फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करके तो यहाँ मार्क लगाएंगे, ऐसे सीधा एक मार्क लगा लेंगे, अब इसके हिसाब से हम कट कर लेंगे, तैयारी रहेगी अब इसको कट कर लेंगे। अब दूसरा पल्ला, ये पल्ला को पहले अलग कर लेंगे, ये पल्ला उल्टा रखेंगे, ये पल्ला उल्टा तभी ये सामने आएगी पट्टी। यहाँ पे है 4.5 इंच एक पॉइंट, तो 4.5 इंच एक पॉइंट यहाँ पे रहेगी। हम इसको पहले सीधा मार्क लगा लेंगे, इसको इसी तरह मार्क लगा लेंगे, कट कर लेंगे। अभी ये कोना से यहां तक हम शेप देंगे ऐसे, ये पहले ये पल्ला को बिछा लेंगे, ऐसे बिछा लेंगे, आगे का हाला छटेगी थोड़ा सा। ये पल्ला को इस तरह हम बैठा लेंगे, दूसरा पल्ला यहाँ पे बैठाएंगे ऐसे। अभी गल्ला का मार्क उठा लेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करके इसको सीधा रख लेंगे।
कट कर लेंगे, थोड़ा पॉइंट कट कर लेंगे, पहले देख लेंगे एक जैसा है या नहीं, खसक तो नहीं ना दिया कपड़ा। अब इसको थोड़ा खसकाएंगे, अब यहां से ऐसे सेब लगाएंगे, इसको हम कट कर लेंगे। ये जो पल्ला बढ़ रही है अब इसमें मिलाएंगे, पहले यहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे, अब यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, अब ये कुछ ऐसा तैयारी आ जाएगी, बनने के बाद ये ऐसा खुल जाएगी और ये इतना पैक स्टिचिंग हो जाएगी। आसिन जैसे कटता है वो सेम वैसा ही कटेगी।